हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसईओ फ्रेंडली यूआरएल की, और इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या होती हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस जिनसे हम एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल डेवलप कर सकते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट का प्रॉपर एसईओ कर सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। पुअर यूआरएल स्ट्रक्चर इज अ फ्रीक्वेंट एसईओ इशू, यानी कि लोगों को पता नहीं होता है कि जब वो अपनी वेबसाइट का एसईओ स्टार्ट करते हैं उस वक्त वो अपनी यूआरएल को कई बार निग्लेक्ट कर देते हैं, या अपने यूआरएल का जो एसईओ कॉन्सेप्ट है या जो एसईओ कंसर्न है उस पर उतना ज़्यादा काम नहीं करते हैं, जिससे कि उनका जो यूआरएल का स्ट्रक्चर है वो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वीक हो जाता है और उन्हें बाद में इससे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उनकी वेबसाइट का कंप्लीट एसईओ नहीं हो पाता है, उनकी वेबसाइट रैंक नहीं कर पाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे मैंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जहाँ पर दो यूआरएल्स हैं और एक जो है वो गुड यूआरएल का एग्जाम्पल है और एक जो है बैड यूआरएल का एग्जाम्पल है। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी भी यूआरएल को एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बनाते हैं और एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से खराब बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। द फर्स्ट थिंग इज डिस्क्रिप्टिव एंड रीडेबल यूआरएल्स। अ पोटेंशियल विजिटर शुड गेट एन आइडिया ऑफ अ पेज कंटेंट जस्ट बाय लुकिंग एट द यूआरएल। दे विल बी मच मोर इंक्लाइंड टू क्लिक ऑन अ गूगल सर्च रिजल्ट विद अ डिस्क्रिप्टिव एंड रीडेबल यूआरएल। हम जानते हैं कि जब हम कोई भी क्वेरी करते हैं गूगल सर्च में, तो जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस डेवलप करता है, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस आते हैं, उसमें हमारे पास जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं उनका टाइटल होता है और उसके नीचे उनका यूआरएल होता है। अगर यूआरएल जो है वो यूजर फ्रेंडली नहीं होगा या रीडेबल नहीं होगा, कहने का मतलब है कि अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड यूआरएल हो जाएगा तो क्या होगा कि वो यूजर पढ़ना नहीं चाहेंगे, और अगर उसको पढ़ते भी हैं तो उसमें से उनको बहुत कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, जिसकी वजह से उनके उस यूआरएल पर या उस लिंक पर जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पहली प्रैक्टिस है, जो पहली बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, वो ये है कि आप जो है जो आपका यूआरएल है उसको रीडेबल फॉर्म में रखें और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रखें, ताकि ये समझ में आ सके कि वास्तव में ये यूआरएल किस चीज के लिए है। द सेकंड पॉइंट इज अवॉइड स्टॉप वर्ड्स इन यूआरएल। अवॉइड स्टॉप वर्ड्स, ग्रामर वर्ड्स दैट डोंट से मच इन यूआरएल्स, दे डोंट एड वैल्यू टू यूआरएल्स, दे ओनली मेक अ यूआरएल लेस रीडेबल रीडेबल एंड लॉन्गर। यहाँ पर क्या होता है, कई बार आप अनोइंगली, आपको पता नहीं होता है, और आप अपने यूआरएल में क्या करते हैं कि बहुत सारे स्टॉप वर्ड्स को यूज कर लेते हैं, तो उन स्टॉप वर्ड्स को यूज करने से आपके यूआरएल का एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो एग्जाम्पल्स दिए हुए नीचे। जो पहला एग्जाम्पल है वो उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर बेस्ट के पहले जो दा लगा हुआ है वो इस वाले केस में नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर हमारा जो बेस्ट एडवाइस फॉर कॉपी राइटर है और द बेस्ट एडवाइस फॉर अ कॉपी राइटर है, इन दोनों ही केसेस में द और ए को अगर हम रिमूव कर दें पहले वाले पोर्शन में से, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो यूआरएल है उसकी मीनिंग में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। तो फर्स्ट वाला जो केस है, जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है, वो ज्यादा रिकमेंडेड है। उससे क्या होगा कि आपका यूआरएल जो है वो रीडेबल फॉर्म में भी होगा और छोटा भी हो जाएगा। बट सेकेंड वाले केस में जो कॉन्ट्रोडक्टरी है बिल्कुल, कि भाई यहाँ पर आप यूज तो कर रहे हैं आप, बट आपने जो स्टॉप वर्ड्स यूज कर दिए इसमें, उनकी वजह से ये यूआरएल थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो आपको इस चीज को भी अवॉइड करना है, आपको स्टॉप वर्ड्स को नहीं यूज करना है यूआरएल्स में। थर्ड इज अवॉइड पैरामीटर्स इन यूआरएल। अवॉइड पैरामीटर्स इन यूआरएल्स एज मच एज पॉसिबल, दे डोंट एक्सप्रेस कॉन्टेक्स्ट टू विजिटर्स और सर्च इंजन्स एंड मे इवन कॉज डुप्लीकेट कॉन्टेंट। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये index.php और उसके बाद ये जो product is equal to 331 लिखा हुआ है, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, तो आपको यहाँ पर अपने यूआरएल्स को थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा, ताकि जो आपका यूआरएल है वो दोनों ही केसेस में, चाहे वो विजिटर्स की हम बात करें या सर्च इंजन्स की बात करें, उनमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ला सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेट वर्ड्स यूजिंग हाइफंस। सेपरेट वर्ड्स इन यूआरएल यूजिंग हाइफंस, इवन दो सर्च इंजन सपोर्ट्स अंडरस्कोर एज अ वर्ड सेपरेटर नाउअडेज, बट योर रीडर्स आई विल प्रिफर हाइफंस। होता क्या है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था, आप यहाँ पर देखें तो ये जो बेस्ट एडवाइस फॉर कॉपीराइटर लिखा हुआ है, इसमें जो वर्ड्स को हम लोगों ने सेपरेट किया, व्हाट वी हैव यूज्ड हाइफंस फॉर देम। अगर हम चाहते तो यहाँ पर अंडरस्कोर यूज कर सकते थे, बट जो अंडरस्कोर होता है वो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, उतना यूजर को अट्रैक्टिव नहीं लगेगा जितना यहाँ पर हाइफंस लगेगा। हाँ बिल्कुल, अगर आप अंडरस्कोर यूज करते हैं वो भी वैलिड है, सर्च इंजन उसको भी समझते हैं, बट ये एडवाइसेबल है
बट एडवाइस ये ही रहेगी कि आप जो है हमेशा यहाँ पर हाइफ़न्स को यूज करें ताकि थोड़ा सा आपका जो यूआरएल है वो रीडेबल फॉर्मेट में बना रहे। नेक्स्ट इज डोंट स्टफ यूआरएल्स फुल ऑफ कीवर्ड्स। स्टफिंग यूआरएल्स फुल ऑफ कीवर्ड्स हर्ट्स रीडेबिलिटी एंड इज अ क्लियर साइन ऑफ ओवर ऑप्टिमाइजेशन, सो अवॉइड डूइंग दिस, इट डजंट एड एनी वैल्यू एंड इट मे इवन हर्ट योर एसईओ परफॉर्मेंस। एज वी ऑल नो दैट कि जो कीवर्ड स्टफिंग है, चाहे वो हम अपने कॉन्टेंट के अंदर करें चाहे हम अपने यूआरएल के अंदर करें, ये हमेशा एक ब्लैक हैट टेक्निक में आती है और ये क्लियर साइन है कि आप जो है वो ओवर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो आपको अवॉइड करना है कि बहुत सारे कीवर्ड्स आपको यूज नहीं करते हैं। हाँ, हो सकता है अगर आप एक कीवर्ड अपने यूआरएल में यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। वैसे गूगल अब बहुत ज्यादा कीवर्ड्स को प्रायोरिटी नहीं देता है कि आप कीवर्ड्स को एज एन स्टफिंग यूज कर पाए, तो डेफिनेटली आप इस चीज को अवॉइड करें, आप इसकी स्टफिंग मत करें, क्योंकि देखिए ये दोनों तरीके से आपको नुकसान करने वाली है। एक तो इससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलना नहीं है और दूसरा इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा, यानी कि आप जो है ना वो ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक यूज करने वाले काउंट होंगे। तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है, ना तो आपको यहाँ पर फायदा होगा और उल्टा उल्टा आपका नुकसान भी हो जाएगा। कीप यूआरएल शॉर्ट, ये प्रॉब्लम कई बार होती है कि आप बहुत लेंथी यूआरएल्स क्रिएट कर लेते हैं, बट हमेशा जो एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होता है वो शॉर्ट होता है। विजिटर्स एंड सर्च इंजन्स बोथ प्रेफर शॉर्ट यूआरएल, सो कीप यूआरएल शॉर्ट, यूज अ फ्यू डायरेक्टरीज एज पॉसिबल एंड इफ यू कैन यूज जस्ट यूज वन और टू। सो तो करना क्या है आपको कि भाई आपने बहुत सारे जो आप देखते हैं आपके कीवर्ड जो आपके यूआरएल में बहुत सारे स्लैश स्लैश करके बहुत सारी डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज ऐसे यूज करते हैं ताकि वो यूआरएल काफी लेंदी हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज अवॉइड करनी है। आप कोशिश करें कि आप एक ही डायरेक्टरी को यूज करें, या हो सकता है अगर एक से ज्यादा हो रही है तो एक दो ठीक है वहां तक चल जाता है, बट अगर आप बहुत ज्यादा डायरेक्टरी यूज करेंगे तो वो यूआरएल बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और ये दोनों के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। जो हमारा यूजर है, विजिटर है, उसको भी ये अच्छा नहीं लगता है और सर्च इंजन को भी इसको समझने में, इंडेक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज द एनाटॉमी ऑफ अ यूआरएल। एक यूआरएल किस तरीके से दिखता है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल में एक आपको यूआरएल दिख रहा है और अगर हम इनको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें, इस यूआरएल को थोड़ा सा इसका ब्रेक डाउन करें, तो इसके एलिमेंट्स को हम अच्छी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि एक यूआरएल में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स के कौन कौन फैक्टर्स को हमें याद रखना है और उनको ऑप्टिमाइज करना है ताकि जो रिकमेंडेड चीजें हैं, ताकि हम जो रिकमेंडेशन हैं उनके बेसिस पे अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर पाए, उसके यूआरएल के हर सेगमेंट को ऑप्टिमाइज कर पाए। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आप देखेंगे कि ये जो https है, इस पूरे यूआरएल को अब हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसको https करा एंड देन हमने इसको www यहाँ पर लिखा, फिर example.com लिखा एंड देन वी हैव रिटन अबाउट और उसके बाद ये टीम वाली चीज हम लोगों ने लिखी, फिर यहाँ पर members is equal to Kevin जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूआरएल में, इसको हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी कर लिया, देन ये हैश बना हुआ है और उसके आगे जो है ये एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, इसको हमने कॉपी कर लिया। तो हम लोगों ने बेसिकली इस यूआरएल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। जो ये है https, ये क्या होता है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रोटोकॉल एंड इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू सर्व योर यूआरएल्स ओवर https, यानी आपको सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करना है, ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये राइट हैंड साइड में जितने पॉइंट्स लिखे हैं, दीज आर बेसिकली रिकमेंडेशंस फ्रॉम एन एसईओ फ्रेंडली यूआरएल पॉइंट ऑफ व्यू। द सेकंड थिंग इज यहाँ पर आप www देख सकते हैं विच इज अ सब डोमेन एंड देन थर्ड पॉइंट इज example.com विच इज अ डोमेन। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप पहली बार कोई अपना डोमेन खरीद रहे हैं तो या खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन दैट केस आप जो है डोमेन को इस तरीके से खरीदें कि वो डोमेन छोटा हो, शॉर्ट हो, शॉर्ट इन लेंथ और इजी हो, वो याद रखने के लिए इजी टू रिमेम्बर हो। देन उसके बाद यहाँ पर जो आप अबाउट देख रहे हैं विच इज कॉल्ड एज डायरेक्टरी, तो जो डायरेक्टरीज होती है उनके भी नाम आपको छोटे रखने, आप जितना छोटे से छोटा हो सके उसको रखें ताकि जो है वो यूआरएल को बहुत ज्यादा लंबा ना करे और जो यूजर है उनकी रीडेबिलिटी को भी अफेक्ट ना करे। यहाँ पर आपको देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बड़ी डायरेक्टरीज नहीं है, ऐसा नहीं है 10 कैरेक्टर्स, 15 कैरेक्टर्स, 20 कैरेक्टर्स की डायरेक्टरीज है। यहाँ पर जो हमारा ये डोमेन है और उस डोमेन के बाद अगर आप देखें तो मेन सॉक्स, ये कुछ डायरेक्टरीज और देन सब डायरेक्टरीज, इनको यूज किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी डायरेक्टरीज हैं उनको भी आप छोटा रखें। देन उस डायरेक्टरी के अंदर ये जो हमारा पेज है, दिस इज बेसिकली अ पेज,
तो हम लोग जानते हैं कि जो पर्टिकुलर पेज होता है उसका तो डेफिनेटली हमको बहुत कायदे से ऑन पेज एसईओ करना होता है, दैट इज क्वाइट अ सेपरेट थिंग। और उसके बाद हमको हमारे यूआरएल में दिखता है ये मेंबर इज इक्वल टू केविन, ये क्या है, दिस इज पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है यूआरएल में, आप कोशिश करें कि इन पैरामीटर्स को अवॉइड करें और इनको ना यूज करें। एंड देन उसके बाद लास्ट वाला पोर्शन अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हैश और उसके बाद लिखा हुआ है एक्सपीरियंस, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्रेगमेंट। अगर हम इसको दो चीजों में डिवाइड करें तो ये जो हैश आपको आगे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट, एंड द सेकेंड वन ये जो उसके आगे जो कुछ भी लिखा होता है उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट आइडेंटिफायर। तो फ्रेगमेंट्स आइडेंटिफायर या फ्रेगमेंट्स का जो यूज होता है यूआरएल्स में, वो बेसिकली होता है कि एक ही पेज के ऊपर किसी दूसरी स्पेसिफिक लोकेशन पर जंप कराने के लिए हम फ्रेगमेंट्स का और फ्रेगमेंट्स आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं। द लास्ट पॉइंट इज केसिंग। केसिंग का मतलब यहाँ पर जो है वो है केस सेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो दो यूआरएल्स के एग्जांपल लिए गए हैं, एक में यहाँ पर यूआरएल हाइफन छोटा सा देन स्मॉल कैपिटल लेटर यहाँ नहीं यूज किया गया, यहाँ स्मॉल ए यूज किया गया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कैपिटल ए यूज किया गया। अब आपको ध्यान रखना है कि जो यूआरएल होते हैं वो हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने यहाँ पर स्मॉल ए और कैपिटल ए यूज कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो डिफरेंट यूआरएल्स हैं, सर्च इंजन इनको दो डिफरेंट यूआरएल्स की तरह कंसीडर करेंगे। तो आपको क्या करना है, फॉर अ वेरी बेसिक, अगर बेसिक थंब रूल की बात करी जाए तो आप केवल लोअर केस पे काम करिए, आप हमेशा लोअर केस यूआरएल्स को ही लिखिए। तो दोस्तों ये था एक इंट्रोडक्शन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एसईओ फ्रेंडली यूआरएल के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते जा रहे हैं उनके वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।